न्यूज नेटवर्क टुडे, मैं जावेद अंसारी समीप सोलह के साथ। जैसा कि एक्सपर्ट पहले से आशंका जाहिर कर रहे थे, ठंड में कोरोना पड़ेगा। पिछले चार दिनों की बात की जाए तो 27, 45, 46 के बाद 37 आज के आंकड़े सामने। हम इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए रीवा के सीएमएचओ ऑफिस में मौजूद हैं। यहाँ पर हमारा डॉक्टर गुप्ता, जो कि सीएमएचओ हैं, इस समय उनके पास में मौजूद हूँ। मैं उन्हीं से पूछूंगा, सर अभी आज तक की क्या पोजीशन है, कितने पेशेंट अभी तक आपको मिले, क्या क्या वर्तमान में क्या आंकड़े, जरा हमारे दर्शकों को बताएं। आज तक में हमारे पास 3022 पेशेंट पॉजिटिव मिल चुके हैं, जिसमें से कल शाम 6 बजे तक की जो रिपोर्ट है उसमें 37 पेशेंट कल के दिन पॉजिटिव मिले थे। उसके पहले 46, उसके पहले 45, जैसा कि अभी आपने बताया, पॉजिटिव केस मिले हैं। कुछ समय पूर्व पहले, मतलब 6-7 दिन पहले, हमारे पास 4, 6, 12 इस तरह के पॉजिटिव केस आ रहे थे। इधर 2-3 दिनों में कुछ आंकड़े बढ़ गए हैं पॉजिटिव के। एक्सपर्ट ने भी कहा था कि आंकड़े बढ़ेंगे, इन आंकड़ों पर हमें नजर है, हमारी आगे की क्या तैयारी होगी, किस तरीके से आपने प्लान कर रखा है और आंकड़े बढ़ेंगे तो उनको कैसे रोकेंगे, किस तरीके से आप इस पे लगाम लगाने की, क्या आप लोगों ने क्या प्लानिंग बना रखी है? देखिए, जैसा कि ये है कि ठंडी का मौसम वायरस के डेवलपमेंट के लिए एक अनुकूल मौसम वायरस के लिए होता है, तो ठंडी में कुछ केस बढ़ते हैं। इसी समय कुछ अपने यहाँ त्यौहार ऐसे पड़ गए, शादी ब्याह का समय आ रहा है जिसमें भीड़ बढ़ गई है, लोगों के मन से कुछ डर भी कम हो गया जिसकी वजह से लोगों ने लापरवाही की, इस वजह से हमारे केस बढ़ रहे हैं। अब इसके लिए अपन को सिर्फ यही चीज़ देखना है, 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक तो मास्क का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें और हाथ को सैनिटाइज करते रहें। जैसा कि आपने बताया, आप अपने हाथ सैनिटाइज रखिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए। पिछले एक साल, मैं अपने दर्शकों को एक बार फिर से याद दिला दूं, 17 नवंबर आज से ठीक एक साल 5 दिन पहले की बात है, कोरोना आया था वुहान में, चीन में। तब से आज तक 1 करोड़ के आसपास तो हम अपने देश में पहुंचे, 90 लाख से ज्यादा आंकड़े अभी तक है। जब तक ये खबर आप तक पहुंचेगी, आंकड़े फिर से तब्दील हो जाएंगे। सर एक बड़ा सवाल ये है, जिस तरीके से यहाँ पर आंकड़े बढ़ रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लोगों को समझाइश दे रहे हैं, फिर भी लोग मान नहीं रहे हैं, ऐसे में क्या आपको नहीं लगता कि कड़े कदम भी उठाने चाहिए? हाँ, एक तो आईसी अपन कर रहे हैं, थोड़ा और बढ़ाएंगे, ये प्रशासन स्तर की बात है, थोड़े से कड़े स्टेप तो लेने पड़ेंगे कि थोड़ा सा लोगों को बगैर मास्क के अगर कोई निकलता है तो उसको रोकें, उसको समझाइश दें, ये तो बहुत ज़रूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बहुत ज़रूरी है। शादी ब्याह में जैसे कि पहले था कि कम लोग आए, इसको भी देखना है और इन चीज़ों को बहुत करना पड़ेगा। हमारे साथ डॉक्टर सीएमएचओ रीवा, जिनका साफ तौर से कहना था शासन के दिशा निर्देशों को कड़ाई से पालन करने का वक्त था, कड़ाई से अगर पालन नहीं किया जाए, क्योंकि अभी इस वायरस की दवा नहीं बनी है, कड़ाई से अगर पालन नहीं किया गया तो हम इस वायरस को रोकने में नाकामयाब रहेंगे। उसका सीधा सा नतीजा होगा, जिस तरीके से आंकड़े बढ़े, ये आंकड़े बढ़ भी सकते हैं अगर हमने पालन किया तो, आंकड़े एक बार फिर से 1 हफ्ते पूर्व की स्थिति में हम लाने में कामयाब हो जाएंगे। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। अपने मेजबान जीशान जावेद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।